जय श्री राम हिंदुस्तान। कुछ दिनों से जैसे कि आप सब सुन रहे होंगे कि सलमान खुर्शीद जो है उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने हिंदू लोगों की तुलना जो है सनातन की तुलना जो है वो जिहादी लोगों के साथ करी है, बोको हरम के साथ। हम आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहते हैं कि यदि हम लोग बोको हरम जैसे होते तो आप लोग ये इस तरह की बातें करते ही नहीं, ना ही कर पाते कि वो लोग तुम लोगों का क्या हशर करते हैं आप लोग भली भांति जानते हैं। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये बोको हरम के साथ जो तुलना करी है सलमान खुर्शीद ने बिल्कुल सही कहा है। तो हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और ये महबूबा मुफ्ती जो हमारे स्टेट की और हमारी यूनियन टेरिटरी की पहले सीएम रह चुकी हैं, इस तरह के बयान उनके हर दिन 3-4 दिनों के बाद या हफ्ते के बाद इस तरह के बयान जो है वो बयानबाजी करती रहती हैं। तो बहुत ही दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि ये बहुत ही दुख की बात है हम लोगों के लिए कि हमने एक ऐसे इंसान को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जो मुख्यमंत्री कहलाने के काबिल ही नहीं है। और फिर उन्होंने बात करी आरएसएस की कि आरएसएस के लोग जो हैं वो भी इस तरह के ही हैं बोको हरम जैसे, और आईएसआईएस के साथ तुलना करी है। रही आरएसएस की बात, आरएसएस एक विचार है, एक ऐसा विचार जिनका निर्माण जो है वो अच्छे विचारों के साथ हुआ है। लेकिन ये बात कहने में हमें बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि सलमान खुर्शीद जैसे लोग और महबूबा मुफ्ती जैसे लोग, इनका जो निर्माण हुआ है इनके विचारों का वो दूषित विचारों के साथ ही हुआ है। और ऐसे लोगों को इस तरह की बयानबाजी करने जो ये कर रहे हैं उसका जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं वो हक इनसे छीन लेना चाहिए, ये अधिकार इनको नहीं देना चाहिए।